कि चांदनी रात फूलों की बरसात हो, कि चांदनी रात फूलों की बरसात हो, कि रूठ जाए जगत सारा, कि रूठ जाए जगत सारा, कि हे खुदा तेरा साथ हो। तो आज मैं कर रहा हूँ ग्राफ्टिंग का कार्य, और वो आज जो ग्राफ्टिंग की वीडियोस में लेके आया हूँ वो है पियर की। और पियर मेरे पास दो प्रकार की वैरायटियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। जो ये मेरे पास है ये है कारमेन, ये कारमेन है, आप इसको देखें गौर से, ये कारमेन पियर है। और ये मेरे पास है सेंटा मारिया, सेंटा मारिया ये बिल्कुल नई वैरायटी है। और ये एक स्टिक, इसमें चार स्टिकें हैं, 400 रुपये की है, एक स्टिक 100 रुपीज़ की है। तो पहली जो मैं कलम करूँगा वो करूँगा कारमेन की। और जो ये सेंटा मारिया है ये पैकम से अर्ली है, और ये कारमेन है ये सेंटा मारिया से अर्ली है। और जो मैं ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ, ये ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं, ये मेरे पास मोटा कैंथ, जिसको बोलते हैं मोटे कैंथ के नाम से ये विख्यात है, ये मोटा कैंथ। और ये मैं सेम ईयर में ही ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ, इसी साल मैंने ये बाल्टियाँ लगाई, उसकी वीडियोस भी मैंने आपको शेयर की थी। तो आप लोगों को भी इसका कार्य सीखना चाहिए, अगर आप लोग अपनी बगिया को सुंदर बनाना चाहते हैं, आप अपना ऑर्चर्ड तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये काम सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए करते हैं पियर की ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले मैं पियर को ग्राफ्ट करने के लिए, पियर की वैरायटी को मोटे कैंथ के ऊपर ग्राफ्ट करने के लिए 7 इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर कट्स लगाता हूँ। या ज़्यादा मोटी नहीं है, अगर मोटी होती तो मैं इसके ऊपर लगभग 11-12 इंच ऊपर ग्राफ्टिंग करता, ये थोड़ी पतली पतली सी है। तो ये मैंने सबसे पहले उड़ा दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप वाली साइड से ही इसको छील लेता हूँ। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा, ऐसे मैंने कट कर दिया। तो अब वो इसको एक साइड से छील लेते हैं, थोड़ा सा चाकू मेरे पास दूसरा घर में रह गया है। तो अब इसके लिए मैं कलम तैयार कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, तो ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, 1 2 3, 3 आइज के ऊपर मैं इस तरह से कट लगा करके कलम रेडी कर देता हूँ। अब इसको हमें छीलना होता है, थोड़ी सी ये टेढ़ी है इस तरीके से, तो मैं जिस साइड से इसमें बैंड है उस साइड से इसको छील के तैयार कर लेता हूँ। थोड़ा आज ठंड भी ज़्यादा हो रही है, हवा चल रही है, क्योंकि आजकल मौसम ख़राब है। और अच्छे से ये हमें कलम छील के तैयार करनी है। बहुत अच्छे से हमें कार्य करना है, सावधानी पूर्वक कर रहा हूँ। अब ये मेरी साइड से छिलके तैयार हो गई है। अब इस पार्टी में मैं कट्स लगा देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कट्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सीधा कट हमें लगाना है, कट संवारा हो, सीधा हो। थोड़ी हार्ड भी है छिलने के लिए, जो मेरा चाकू है
ज़्यादा शार्प नहीं है, इस तरीके से हमें कलम बनानी है। फिर आगे से इसको हमें कट करना है और लगभग 1 फीट लंबा हमें पॉलिथीन लेना है। इसकी स्किन से स्किन हमें अच्छे से मिलानी होती है, जैसे कि आप को दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, तो इस साइड से शायद आपको दिख जाएगा। स्किन से स्किन अच्छे से मिलानी होती है, तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं, पर आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। स्किन से स्किन अच्छे से मैच करनी होती है, तभी हमारी पार्टी की जो स्किन होती है कलम की स्किन को रस भेजती है, और जब रस भेजेगी तभी हमारे पास कलम अच्छे से लग जाएगी। तो ये मैंने अभी आपके सामने कारमेन की ग्राफ्टिंग करी, और अगली ग्राफ्टिंग मैं करूँगा ये तो दूसरी मेरे पास वैरायटी है सेंटा मारिया, इसकी ग्राफ्टिंग करूँगा मैं दो प्लांट के बाद।